गांव में संदीप ओमकार जी के इलेक्शन के बारे में कार्यकर्ताओं की ली एक बैठक, जिसमें बड़ी बारीकी से बूथों की तैयारी के लिए एक नई रणनीति बनाई, जिसमें स्वामी संदीप जी ने हर पहलू को बड़ी बारीकी से लिया और अपने कार्यकर्ताओं की पीठ को थपथपाया। यार कहां के इलेक्शन के लिए हमने हर चीज को बड़े ध्यान से और बड़ी बारीकी से देखना है कि वहीं कोई किसी भी प्रकार की चूक न हो जाए। अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पहले वोट डालकर अपने काम पर लग जाएं और शाम को 5 बजे तक, जब तक इलेक्शन की वोटिंग मशीन सील नहीं की जाए, तब तक पूरा ध्यान लगाए रखना है। और कार्यकर्ता उनकी रणनीति सुनकर बहुत ही खुश हुए और विश्वास दिलाया कि हम अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएंगे। और कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर स्वामी जी बहुत ही खुश हुए। और बीच में कुछ लोग कह रहे थे कि जब कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ है तो स्वामी जी तो भारी मतों से जीतने वाले हैं, इसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। सबसे बड़ी बात कार्यकर्ताओं का हौसला देखने वाला था। जयकारा सतगुरुदेव जी महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। आप सभी को आज भगवान वाल्मीकि जी की जन्मोत्सव के अवसर पर, प्रगट दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। स्वामी संदीप ओंकार जिंदाबाद, स्वामी संदीप ओंकार आगे बढ़ो। हां जी, स्वामी संदीप ओंकार आगे बढ़ो। हां जी, बाबा मार्कंडेय जी का आज भी जन्मोत्सव है, तो उसके अवसर पर भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दो दो महान संतों के जन्मोत्सव पर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इससे बड़ा शुभ दिन हमारे लिए क्या हो सकता है। ये विजय की निशानी है आप लोगों के लिए। और आज जो हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अब जो हमारी लड़ाई है वो बूथ पे है। चुनाव आप जीत चुके हो साथियों, जो दिन रात हमने मेहनत की थी 3 साल लगातार घूमकर, उसका परिणाम आज ये है कि हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर हमारा परिवार पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मैंने आप लोगों के लिए, इस पहवा के लिए लगातार 3 साल मेहनत करी, लगातार 3 साल मेहनत करी और आप सबने मिलकर मेहनत करी। अकेले मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर मेहनत करी। अब पूरा 1 हफ्ता हमारे पास रहता है, 1 हफ्ता, 1 हफ्ता में ये चाहता हूँ दिन रात काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर इस काम में लग जाएं। ये मेहनत जो 3 साल में करिए, 1 हफ्ते के अंदर उसे कई गुना करके दिखानी है। घर घर तक जाना है, दरवाजे तक जाना है, जो हमारा चुनाव निशान है वो पहुंचाना है। क्योंकि हमने प्रचार पहले कमल के फूल का इतना किया है, तो उसकी वजह से आज भी कई लोगों को हमारे चुनाव निशान का नहीं पता, लेकिन इसी 1 हफ्ते के अंदर घर घर जाकर हमने वो चुनाव निशान पहुंचाना है, जीत चुका है। आज के दिन तो सिर्फ मैं एक ही बात यह कहना चाहता हूं कि मेहनत करने का वो टाइम आ चुका है जिस चीज का हमें इंतजार था। हम जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, वो सफलता के लिए मेहनत कर रहे थे, अब 1 हफ्ता आप लोगों के पास है। 1 हफ्ता में सफलता को कितना बढ़ाना है आप लोगों के हाथ में। मजा तो तभी है ना इस मेहनत का, जब हमें वो सफलता मिले, महा सफलता मिले। और वो सफलता कैसे मिलेगी, इस 1 हफ्ते के अंदर दिन रात चलना होगा, दिन रात हमें घूमना होगा, अपने मित्रों पे, रिश्तेदारों में, गाँव में पल्ला पसारना भी पड़े वो भी पसारना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मेहनत को तभी रंग लगेगा अगर ये 1 हफ्ता हमने इस इलेक्शन को संभाल लिया। स्वामी संदीप ओंकार जिंदाबाद, स्वामी संदीप ओंकार जिंदाबाद। और लोगों को ये बात भी बतानी है, दिन रात सपने देखे थे कि हम कुछ करेंगे, हम बनेंगे, आप लोगों ने ये नहीं सोचा था कि संदीप ओंकार जी बनेंगे, आप लोगों ने इतना सोचा था कि हम खुद बनेंगे, और आप खुद बनेंगे भी, और आज भी बनेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सिर्फ मेहनत है, उस मेहनत को बढ़ाओ। मेरी कहीं झूठ पड़ती है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बड़ी जीत हम लोगों की होने वाली है और ये जीत दूर दूर तक मैसेज देकर जाएगी कि लोगों की जनभावों से खेलने का क्या नतीजा होता है, उनकी जनभावनाओं से उनको विश्वास तोड़ने का क्या नतीजा होता है। उन लोगों ने हमारे सपने खत्म करने का काम किए हैं, हमारी भावनाएं खत्म करने का काम किया है, और उस चीज का जवाब हमें सबको मिलकर देना है और मिलकर दे भी रहे हैं। सिर्फ 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता क्या मेरे लिए देंगे 1 हफ्ता?
सिर्फ एक आफ्ताब से मांग रहा हूँ। मुझे पता है कहीं मेरे साथी रोजगार की दृष्टि से बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, हर एक कार्य कोई ना कोई कर रहा है, सिर्फ एक हफ्ता दे दीजिए। हमारे पवन जी भी हमारे खड़े हैं, हर मेहनत कर रहे हैं, मेरे को देखता रहता हूँ फेसबुक पे भी, और बहुत हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा है मेहनत कर रहा है, और वो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं अगर जुनून